हिस्ट्री का हिस्टोरिकल साहेबजादे, साहेबजादे एक कहानी है उन दो वीरों गुरु गोविंद जी जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और अपना सर भी नहीं झुकाया मुगलों के सामने, पर अपना सर कलम जरूर रखा। उनकी कहानी इतनी वीरता से भरी हुई है कि हमें आपके सामने लाने को मजबूर कर दिया। उनकी कहानी है एक इतनी सी उम्र के बच्चों की जिन्होंने एक इतने बड़े मुगल शहनशाह के सामने सर झुकाने से एक पल भी नहीं डरे और अपना सर नहीं झुकाया और एक वीरता की ऐसी मिसाल पेश करी जिसके पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन है। तो पेश है आपके सामने साहेबजादे। साहेबजादे, साहेबजादे तो लगता नहीं है। जातो नाही, जातो नाही, मैनु जोग कितोई तेरा कीता जातो नाही, जातो नाही, जातो नाही। उतर ओ पुत्र अपने धर्म की अहमियत नहीं पता। इसकी क्या अहमियत, इसकी वजह से बच्चे मुझे चढ़ाते हैं। पुत्र आ तुसी की कहते हो, तैनू पता आ पग साडा मान है। इस पग दे नाल हमारे गुरुओं ने अपने सर कलम करवा लिए और तो और तोड़े जैसे बालकों ने। पुत्र आ तू तस्वीर में जो बालक देख रहा है जानता है उनके बारे में? नहीं दादाजी, इन्होंने ऐसा क्या किया? तो सुन पुत्र, आ बात है 1704 की, जब मुगलों के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए मुगलों और सिखों के बीच युद्ध छिड़ गया था। सिखों की कमान गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों बड़े बालकों को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े थे। वही दूसरी ओर अपनी माता और दोनों छोटे छोटे बालकों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को अपने नौकर गंगू के भरोसे छोड़ गए। वो कहते हैं ना कि लालच अच्छे अच्छों को बदल देता है, तो गंगू क्या चीज थी? गंगू ने बसीन खाके कुछ स्वर्ण की मुद्राओं के लालच में आकर दोनों छोटे छोटे बालकों को और बजीर खाके वाड़े कर दिया। इस्लाम कबूल करेगा कि नहीं? बोल! कतरा बहा दूंगा। नहीं करूंगा। मार लक्की। हुजूर, ये इस्लाम अपनाने से इनकार कर रहा है। तो पूछ क्यों रहे हो? सीधा मौत के घाट उतारो न। वही काम, तुम हमें चाहे जितना भी मार लो, हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। हमारा सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। बेशक
इच्छा भी जरूर पूरी होगी। सैनिक इसे इतना कर पाया जाए, इतना कर पाया जाए कि ये अपना सर खुद ब खुद कलम कर ले। सैनिक इन दोनों के नाखून निकाल लिए जाए और इनकी कान खिंचवा दी जाए। और इन दोनों बालकों को जिंदा दीवार में चुनवाओ।
जी हुजूर। Oh,
जातो राखे